Hello all, welcome back students to my YouTube channel, Let's Study with Sangeeta Bish. In today's video, we are going to continue that series of RTP for CA Foundation, ठीक है? हमने जो है अभी तक क्या-क्या complete कर लिया है, let me tell you first that, कि what we have done so far. सबसे पहले तो हमने जो है, you know, मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको पता ही है कि हम RTP कर रहे हैं, और RTP हम चार attempts के कर रहे हैं, कौन-कौन से RTP कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपका May 19, नवंबर 19, मई 20 एंड नवंबर 20, राइट? हम ये चार अटेम्प्ट्स के कर रहे हैं, बट व्हाट आई एम गोइंग, यू नो, व्हाट आई एम फॉलोइंग एक्चुअली, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले मई 19 का करें, नवंबर 19 का करें, नो, वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट. सो हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम बेसिकली कर रहे हैं कि आपका, यू नो, जैसे सपोज करो आपका ये वाला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो हमने ट्रू फॉल्स चारों आरटीपी से कवर कर चुके हैं, राइट? उसी तरीके से अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी हम दो अटेम्प्ट्स का कंप्लीट कर चुके हैं. अब इस वाली वीडियो में हम जो है वो करेंगे मई 20 एंड नवंबर 20 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. लास्ट वाली वीडियो आपकी थी मई 19 एंड नवंबर 19 का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, राइट? चलो, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ क्वेश्चन फर्स्ट. एंड यस गाइस, प्लीज़, यू नो, होप सो कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बिकॉज आई नो यू नो दैट वन थिंग, दैट यू नो मेरे चैनल में मोर देन 80% नॉन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को देखते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग, बट प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, सजेस्ट दिस चैनल टू एन, यू नो, एवरीबडी. एंड या, एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज आई अपलोड, यू नो, डेली कोड्स एंड सम जर्नल नॉलेज क्वेश्चन, एंड मीन्स आई अपलोड सम गुड स्टफ ओवर देयर एज वेल, सो यू कैन फॉलो मी देयर. ओके, चलो मैंने अभी बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. देखो, ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आपके अकाउंट्स के थ्योरी के लिए. सो इसको तो तुम अच्छे से रट लेना इन द सेंस, क्योंकि आप चाहते हो आपको पूरे मार्क्स मिले, तो प्लीज़ रट लेना, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत लिमिटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. सो इसको याद कर लेना कि क्या डिफरेंस है प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी में, राइट? देखो, आपका जो प्रोविजन बेसिकली बनता है, प्रोविजन हम कब बनाते हैं, मतलब प्रोविजन बेसिकली आपके, यू नो, आपको पता होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि आपकी ये लाइबिलिटी हो सकती है, मतलब होगी. एक बेसिकली देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज, प्रोविजन टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, ओके, एंड कॉन्टिजेंट टॉक्स अबाउट फ्यूचर. मेन डिफरेंस ये है, इज़ दैट क्लियर? ये मेन डिफरेंस है. लेट्स सी इंस्टीट्यूट ने क्या चीज़ इसके लिखी है, मैं फिर आपको इसके और पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगी. ओके, ओके, सो देखो, आप ये इस, और जब भी कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, यू नो, डिफरेंस आता है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाता है, तो ट्राई टू फॉलो दिस टेबल को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, रादर देन बीइंग, यू नो, रिटर्न इन द पैराग्राफ. ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू डिफरेंशिएट प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन अ टेबल फॉर्म, टैबलो फॉर्म, दैट एग्जामिनर, यू नो, क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ योर डिफरेंशिएशन, राइट? चलो ठीक है, सबसे पहले देखो, प्रोविजन की अगर हम बात करें तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट. देखो, जो मैंने आपको बात कही वो क्या है, प्रेजेंट, सॉरी आई नीड टू हाईलाइट इट, मैं क्या कर रही हूँ, रुको, ये आपकी प्रेजेंट लाइबिलिटी होती है अनसर्टेन अमाउंट की, ठीक है? अच्छा, ओके, और क्या 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 चीज़ें होती हैं, और क्या चीज़ होती हैं, Which can be measured reliably by using a sustainable degree of estimation. देखो, measured reliably, ठीक है, and आपकी sustainable degree of estimation. Estimation तो यहाँ पे भी लगती है, जिसको हम measure reliably कर सकते हैं, लेकिन ये बात करती है present liability, जिसके अंदर आपका amount जो होता है वो क्या होता है, amount जो होता है वो uncertain होता है. क्या होता है? Amount uncertain होता है, right? अच्छा, वहीं अगर हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज
crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event. अब देखो, इन दोनों में आप अगर देखेंगे तो possible obligation होता है. Basically क्या चीज होती है यहाँ पे, आपकी possible obligation होती है, ठीक है, जो may or may not depending on the occurrence and non-occurrence of more one and more uncertain future event. Okay, uncertain होता है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, अगर मैं आपको हाईलाइट पॉइंट्स बताऊँ, देखो प्रोविजन के बारे में, बेसिकली प्रोविजन देखो क्या होता है, प्रेजेंट लाइबिलिटी होती है. क्या होती है आपकी? प्रेजेंट लाइबिलिटी होती है. लेकिन ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है. इसके अंदर हमारी अमाउंट अनसर्टेन होती है, अमाउंट अनसर्टेन होती है, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है. मतलब आपका कंटीजन लाइबिलिटी में इवेंट होगा या नहीं होगा उस पे डिपेंड करती है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है. सपोज अगर मैं कॉन्टीजन लाइबिलिटी का आपको एक एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक केस पेंडिंग है, हमारा एक केस लगा हुआ है कोर्ट में, तो हो सकता है कि हमको ना, हम अगर केस हार जाए तो हमें सपोज 20 लाख रुपये देने पड़े. तो यहाँ पे इवेंट क्या है, फ्यूचर इवेंट क्या है, कि हम केस हार जाएंगे, तो अकरेंस और नॉन अकरेंस पे, ठीक है, केस हार जाएंगे तो अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर इवेंट, हो सकता है, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है. लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, प्रोविजन के अंदर बात हो रही है, वो प्रेजेंट लाइबिलिटी की बात होती है, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. चलो, अ प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड कंटीजन लाइबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम. मतलब रिकॉग्निशन, हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन हम कंटीजन लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. देखो, इसमें सिंपल सी बात की जाती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज इम्पॉर्टेंट. और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहाँ से होता है? अराइजिंग पास्ट इवेंट से होता है. मतलब आपने कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि आपको प्रेजेंट पर कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं. एंड साथ के साथ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोवेबल एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन. एक रिलायबल एस्टिमेशन आप बना सकते हो कि इतना तक की आपको हो सकता है, इतने तक की आपको लाइबिलिटी हो, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टीजन लाइबिलिटी की, तो कॉन्टीजन लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that the settlement of those obligation will require outflow of economic benefit or amount can not be reliably estimated. जैसे मैंने आपको केस वाला ही एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर देखो 20 लाख तो मैंने एस्टिमेट करा ना, कोर्ट आपके ऊपर ज़्यादा की हुई ऑब्लिगेशन लगा सकता है. अभी आप प्रेजेंट में केस पे चल रहे हो, तो आपकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब केस से रिलेटेड चीज़ें प्रेजेंट है, एंड वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करती हैं. मतलब आपको फ्यूचर में एक तरीके से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि हमको कितना देना पड़ेगा, क्या चीज़ होगी करके, ठीक है. क्योंकि नॉट प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ दोज ऑब्लिगेशन विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. मतलब आपसे पैसा जाएगा या आपको पैसा मिलेगा, आपको ये भी नहीं पता. बट आप एक सेफ पॉइंट में चलने के लिए आप ये मानते हो कि सपोज अगर आप केस हार गए तो आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है. एंड अमाउंट भी हम रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर. इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया. ओके, If management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes a provision in the balance sheet. मतलब obviously बात है कि अगर management ने ये recognize कर लिया कि आपका outflow होगा, outflow का मतलब होता है आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा आपके हाथ से जाएगा, तो आप एक तरीके से provision बना देते हो balance sheet में. मतलब outflow होगा आपका तो आप provision बना दोगे balance sheet के अंदर, ठीक है. इसके अंदर अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है दैट इट इज़ लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो फ्रॉम द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट विल डिस्क्लोज दैट ऑब्लिगेशन इज कंटीजेंट लाइबिलिटी. इसके अंदर हम बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज कर देते हैं, डिस्क्लोजर दे देते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आउटफ्लो होएगा.
ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. आपको ये चारों के चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. एम आई क्लियर? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट. या देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे जाके आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ये चीज़ पढ़नी है. तो वो पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों जाते हैं, क्यों सेट किए जाते हैं. अब जैसे देखो, आपको पता है कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस वगैरह लगती हैं. तो सपोज करो कोई भी चीज़ है, लेट्स से हम किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की मैं अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, उस अकाउंटिंग को हम हमारे यू नो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. एक तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट लगेगी, ठीक है, जजमेंट्स लगेगी जिसकी वजह से काम बहुत बिगड़ता है. अब आप सोचो कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में आप सपोज करो यू नो सब अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं. यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तीन है, और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की अकाउंटिंग करनी है. लेट्स से आपकी स्टॉक की अकाउंटिंग करनी है, स्टॉक की. ए अपनी मर्जी से कर रहा है, बी अपनी मर्जी से कर रहा है, सी अपनी मर्जी से कर रहा है. तो मुझे एक बात बताओ, जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी? कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है. तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म होते हैं ना, ये अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी को ऐड करते हैं. एक आपको स्टैंडर्ड दे देते हैं कि भाई साहब आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है. आपको अपनी मर्जी चलानी कहीं ना कहीं पर, आप पर्सनल जजमेंट लगा सकते हो. वो ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने एक ट्रू फॉल्स भी पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर. सोचो कौन सा वाला है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है. सो ये स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं. लेट्स सी इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है, रीड करते हैं. ये रहा देखो क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने. इंस्टीट्यूट बोलता है कि द मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट द अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी. देखो जो बात मैंने बोली, इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी को, ठीक है. आप कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये देखो यहाँ पे बात करता है कंपैरेबिलिटी की, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. एंड नेक्स्ट है कि द अदर एडवांटेज आर रिडक्शन इन वेरिएशंस. कम से कम रिडक्शन इन वेरिएशंस हो जाता है, मतलब यू नो आपकी वेरिएशंस हो सकती है. जैसे मैंने आपको ABC का एग्जाम्पल दिया, उसने कुछ और तरीके से करी, उसने कुछ और तरीके से करी, उसने कुछ और तरीके से करी. लेकिन अब AS2 मैंने प्रोवाइड कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो मैंने उनको लिमिटेड स्कोप दे दिया कि आप या तो इस तरीके से करो, या तो इस तरीके से, या इस तरीके से करो, जिससे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी. लेकिन अगर मैं कोई भी उनको स्टैंडर्ड नहीं देती, कोई भी मेथड नहीं बताती, तो वो तो कुछ भी करते, अपनी मर्जी से करते, और कभी भी आपका यू नो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. तो रिडक्शन इन वेरिएशन हो जाता है जिस वजह से, ठीक है. डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्स बाय लॉ एंड ईज इन कंपेरिजन, ठीक है ना. इसे कंपेरिजन ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी खुद की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें भी कंपेरिजन करने में डिफ़िकल्टी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं चलो स्टॉक का ही एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि आप स्टॉक के बारे में थोड़ा जानते हो. स्टॉक की ही बात लगा लो. मैं ना क्या कर रही हूँ, इस साल जो है वो लीफो मेथड यूज़ कर रही हूँ, अगले साल फीफो मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर मैं उसको वेटेड एवरेज यूज़ करूँगी. एक बात बताओ, मैंने 2018 में ये यूज़ करा, 2019 में, 2020 में. अब मुझे बताओ, आपको स्टॉक का कंपैरिजन करना है, तो क्या आप फीफ इस साल 2019 में आपने ये मेथड, तो कंपैरिजन भी तो पॉसिबल नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा बेस तो सेम है नहीं, ठीक है ना.
तो एक तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यू नो डिस्क्लो आपका बोलता है कि आपको जो है एक ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी क्या भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप फीफो कर रहे हो तो आपको फीफो करना है, लीफो कर रहे हो तो लीफो करना है। केस होता है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको बेटर प्रेजेंटेशन देता है, ये सारे रीजंस होते हैं। तो इससे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेबिलिटी भी कर सकती हूँ। ये जो कंपैरेबिलिटी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लिखा है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इज दैट क्लियर? चलो आई होप आपको समझ आ गया हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? चलो नाउ कमिंग टू कौन से वाले में आएंगे, अब हम मई आपका 2020 हो गया ना, नवंबर 2020 में आ जाते हैं। नवंबर 2020 में तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि आप बताओ, एक्सप्लेन करो कैश और आपका कैश और मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। कैश और मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम, मर्केंटाइल को आप क्या बोलते हो, अक्रूअल भी बोल सकते हो, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश में मतलब होता है आप ट्रांजैक्शन को बेसिकली तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपकी पेमेंट आपका जो कैश ट्रांजैक्शन होगी तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन अकर हो, पेमेंट चाहे कभी भी हो, मतलब अक्रू हो जानी चाहिए वो सिचुएशन, वो इवेंट, वो ट्रांजैक्शन, ठीक है? चलो अब ये पढ़ लेते हैं, छोटा सा ये आपका आंसर है, लेट्स रीड द आंसर। छोटा सा तो नहीं है बट फिर भी अब देखो यहाँ पे बताया गया, तो अब इस चीज़ को आप समझेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ समझाई गई है। कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम, कैश अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉग्नाइज ओनली इफ कैश इज रिसीव्ड और पेड। देखो कैश इज रिसीव्ड और पेड, कैश इज रिसीव्ड और पेड तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब आपका कैश कैश में या तो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब या तो आप पे करो या आपको रिसीव हो तभी करेंगे, ठीक है? इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। देखो एंट्रीज भी तभी आप करते हो जब आपकी कैश पेड और रिसीव्ड होता है। नो एंट्री बीइंग मेड व्हेन पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू, है ना, ड्यू पे नहीं होता। नो एंट्री अगर आपका पेमेंट और रिसीव्ड जो है ड्यू होता है। कैश सिस्टम इज नॉर्मली फॉलोड बाई प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन की कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कौन करता है? प्रोफेशनल्स, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन मर्केंटाइल तो आपकी हर जगह आपको यूज़ होते हुए दिखती है। ऑन द अदर हैंड मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन इनटू एसेट लायबिलिटीज इक्विटी। ये सारा आपका कैसे बनता है आपका बताओ, एसेट लायबिलिटी किस वजह से बनता है? एसेट और लायबिलिटी तभी तो आपकी अक्रू होती है, तभी तो आपकी इनकर होती है जब आप कब क्या किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हो, मर्केंटाइल अक्रूअल बेसिस पे। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉग्नाइज व्हेन ईदर अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड इम्पेयर्ड एंड एसेट इज क्रिएटेड एंड या इम्पेयर्ड, ठीक है? मतलब अ रिकॉर्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैव बीन ड्यू एंड दिस 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 इज वेदर पेमेंट, ओके। एंड आपका मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग सिस्टम बाय बिजनेस एंटिटीज, जो बिजनेस एंटिटीज होती है ये करती है। अभी सारा जो मैंने रीड करा इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो आपका मर्केंटाइल सिस्टम है, ये मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पे ही तो आपका एसेट बनता है। एसेट कैसे बना बताओ, आपने बोला आपने सामान बेचा, आपने सामान बेचा, आपने सामान बेचा तो आपने पैसे नहीं लिए तो आपका डेटर बन गया ना, है ना, पैसे नहीं लिए। अभी कैश में पेमेंट नहीं हुई है, आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है। वैसे ही आपने सामान खरीदा बट आपने पैसे पे नहीं करे तो आपका क्रेडिटर बन गया ना, क्रेडिटर बन गया ना। तो ये कौन से सिस्टम की वजह से डेटर क्रेडिटर ये सारी चीज़ें बनी है? आपके मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पे बनी है और बिजनेस एंटिटीज आपका यही फॉलो करती हैं, ये चीज़ लिखी हुई है, ओके? चलो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। देखो अब ये जो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े इसमें सबसे आने की जो पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है वो आपकी लगती है कि आपका ये वाला कि आप मुझे डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बता दो, वो इसमें ज़्यादा आने के डिफरेंस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लगता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको रीड सब कुछ करना है बट इस क्वेश्चन को रट लेना, ठीक है? चलो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, इफ़ इट इज़ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आगे के क्वेश्चंस को लेके, तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।